हेलो गाइस, अभी मैं बनाने जा रही हूँ काबुली चना का छोला और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, लहसुन, खड़ा गरम मसाला, साबुत जीरा, टमाटर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। तेल गर्म कर लिया था और मैंने इसमें मिर्च डाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी साबुत जीरा, प्याज। जब तक प्याज ब्राउन होता है तब तक मैं इसका कुछ मसाला रेडी कर लेती हूँ, जिसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा प्याज ग्राइंड करने के लिए, साबुत गरम मसाला, टमाटर, पहले मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी, फिर इसमें मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करूंगी। और अभी ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है और इधर हमारा प्याज भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। ये हमारा मसाला लगभग रेडी हो चुका है। जब तक मसाला रेडी हो रहा है तब तक मैं इधर काबुली चना को भी धुल ली हूँ। अब हमारा मसाला रेडी हो गया है, अब मैं इसमें काबुली चना डालूंगी। ये मैंने इसमें काबुली चना डाल दिया है, अब मैं थोड़ा देर इसे भूजूंगी लो फ्लेम पे। मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हमारा चना लगभग फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैं इसे लो फ्लेम पे पकने दूंगी। ये हमारा टेस्टी छोला बनके तैयार है। हाय गाइस, आप लोग को अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।